यहाँ पूरी दिल्ली की सब्जियाँ आती है भाई, यहाँ से हर जगह की सब्जी ट्रक की ट्रक खड़े हैं सब्जियों वाले। ले आओ ले आओ ले आओ भाई, अभी गाजर आलू भी ले लिए यहीं से, प्याज और ले लिए, मटर मैं ले जा रहा हूँ, गाड़ी में रखते हैं, मेरे ऊपर जाके लग जाए। चलो भाई की शर्ट बहुत तगड़ा है, महीना गिर जाओ। चल यार 100 ग्राम में तेरा क्या जा रहा है, 5 रुपया फर्क पड़ेगा। यहाँ खुद भी सब्जी की दुकान खोलेंगे भाई, सब्जी में सब्जी वाले गाड़ी लेनी है भाई, फॉर्च्यूनर लेंगे सब्जी बेच बेच के। भाई क्रोमो वाले तो फ्लिपकार्ट का रेट मैच नहीं कर पाए। जल्दी 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 जा, अबे कुछ नहीं होगा। और पानी जल्दी लिया, हर सांस लिया जितना भर गया लिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर ब्रांड न्यू व्लॉग। नया दिन नई शुरुआत, एक बेहतरीन से व्लॉग कर रहेगा। जब अपन हो चुके हैं नहा धो के रेडी, ये जैकेट मैंने पीयूष की चढ़ा लिया आज, क्योंकि ड्राइक्लीन में देनी थी। मैंने सोचा भाई पूरी गंदी करूंगा फिर दूंगा, फायदा क्या उसके बिना देने का। फिर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी, और उसके बाद जाना गुरुद्वारे में, पार्ट चल रहा है भाई। सुबह जाना था जल्दी, रात को पता नहीं क्या हो गया नेट को भाई, वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी तो लेट हो गया सोने में। सुबह लेट उठाऊँ तो गुरुद्वारे में जा पाया, अभी जाऊँगा थोड़ी देर बाद और वहाँ दर्शन करके आते हैं, कुछ सेवा होगी तो सेवा करके आएंगे। शाम को आज तिलक नगर भी जाना है, आज ट्यूसडे है, बहुत सारे काम है अभी। फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते पहले गुरुद्वारे होकर आते हैं। भाई सर मैंने जैकेट कर लिया चेंज, को भी जाना है आजादपुर मंडी, नहीं केशवपुर मंडी जाना है मुझे लेने के लिए, सब्जी लेने जानी है लंगर के लिए। तो मैंने सोचा यार अपनी जैकेट पहनता हूँ, उसकी फटफट आ गई तो और सिर खाएगा, उसकी मैं दे दूंगा ट्रैकिंग पे अभी के अभी। और संजाचा को फोन देना पड़ेगा पहले, ये चादर ले लिए भाई, ये चादर बिछाऊँ गाड़ी के अंदर ताकि सब्जी की मिट्टी विट्टी ना लगे। संजाचा को फोन दूंगा मैं वहाँ पे, क्या नाम है, रिपेयर के लिए, और फिर चलता हूँ गुरुद्वारे सीधा लेके आता हूँ सब्जी लेने के लिए। निकल चुके अपन जैकेट लेके, सबसे पहले जैकेट पकड़ाते हैं ड्राई क्लीन के लिए, उसके बाद गाड़ी में सीएनजी भी ओवर हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो भी भरवाएंगे। एंड फ़ोन जो था ना वो मैंने कैसे होगा जल्दी, मैंने कहा अपने सामने पूछ लियो क्या दिक्कत है, क्योंकि अभी तो डिस्प्ले लगवाई थी एकदम से कैसे ख़राब हो गया। तो अभी पहले ड्राई क्लीन के लिए जैकेट दूँ यहाँ पे, ये ज्योति ड्राई क्लीनर्स के को मतलब सॉरी देता हूँ फटाफट, फिर चलते हैं अपना आगे, वो एक सेकेंड लगेगा। सो गाइस अभी गुरुद्वारे में पाठ चल रहा था, मैंने अभी थोड़ी देर 5 मिनट सेवा करी, अभी चल रही है अपन केशवपुर मंडी सामान लेने के लिए, लेट्स गो। सो गाइस अभी अपन पहुंच चुके हैं आजादपुर सॉरी केशवपुर मंडी, और यहाँ से लेते हैं अपना सामान, देखते हैं क्या क्या सामान मिलेगा, क्या क्या लेना है। बस तो गाजर लेनी है इनको, कीचड़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पूरी दिल्ली की सब्जियाँ आती है भाई, यहाँ से हर जगह की सब्जी ट्रक की ट्रक खड़े हैं सब्जियों वाले। गाजर लेंगे यहाँ से, एक कट्टा निकाल दे बढ़िया सा लंगर के लिए, देख के निकालो खराब है मुंह निकाली कोई। हाँ गली झड़ी ना हो यार, गली झड़ी ना, गली सली गाजर आता है देख लो पहले निकाल, पता अंदर का नहीं पता था ना, तेरे पता है ना यार साडा अंदर का नहीं पता, बढ़िया निकाल दे। अच्छा मटर है कितना, मटर वो तो करवाना खुल्ले चाहिए ना, बोले पास खुल्ले। गाजर ले लिया, अभी गाजर रखवाते हैं गाड़ी के अंदर, कट्टा रखवाना है। हाँ रखवा दो, ले आओ ले आओ ले आओ बस ठीक, थोड़ा पीछे खींचोगे हल्का सा खींचो, गेट बंद, बस बस बस। लो जी कट्टा तो आ गया अपना, और भी है सामान, गोभी देख रहे हो कैसे फिर, लाल मटर ले रहे हैं यहाँ से, हल्की 10 किलो यहाँ से ले रहे हैं आलू। भाई अभी गाजर आलू भी ले लिए यहीं से, प्याज और ले रहे हैं, मटर मैं ले जा रहा हूँ गाड़ी में रखते हैं, आलू लेके प्याज लेके चलेंगे, फिर आपको रेट बताता हूँ सारे। बाकी भाई सस्ती बहुत है, बहुत ज़्यादा सस्ती है, आलू का रेट सुनकर तो आप हिल जाओगे, इतना सस्ता मिला हमें, वो भी 50 किलो, खाना बड़ा मुश्किल है। प्याज लाना कितने के लिए, प्याज हाँ ठीक है होगा, टमाटर और पता कर रहे हैं कि यहाँ पे रेट सस्ता है, पर कीचड़ बहुत है, गाय उतर रही है भाई, पहले इसको जाने दो, पता चले मेरे ऊपर जाके लग जाए। चलो भाई कीचड़ बहुत तगड़ा है, महीना गिर जाओ। और मटर देखते हैं
हमने 10 किलो मटर लिए थे, 20 किलो ले रहे हैं, 10 और ले गए। मटर सस्ते की वजह से गाड़ी फुल लोड हो जाएगी आज। चल यार 100 ग्राम में तेरा क्या जा रहा है, 5 रुपए फर्क पड़ेगा। अरे भाई थोड़ी मिर्चे भी ले ली, छोटे मोटे चीजें भी ले ली, अदरक लहसुन मिर्चे। टमाटर का रेट पता करते क्या, 350 रुपए किलो का, 5 किलो सुपर मिलेगा ना, ये पूरा करेगा। कितने का रेट है, 20 किलो 25 किलो 25 किलो 350 तो अब पीलो पीलो है भाई, ये लो लाल ले। कैसे है, रुकिए 21 रुपए 22 रुपए तीन बज गए गाइस, हमें सिर्फ एक से डेढ़ घंटा लगा, हमने पूरी गाड़ी लोड कर लिया सामान से। मैं बताता हूँ कितना सामान है और क्या रेट मेरा, समझाता हूँ सारा कुछ अभी। तो गाइस हमने पता क्या क्या लिया आज, यहाँ से हमने लिए हैं 20 किलो तो मटर लिए, जिसमें हमें मटर मिले हैं 720 रुपए के 20 किलो, मतलब समझ लो 36 रुपए का एक किलो मटर मिला है, जो बाजार में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। साथ में हमने लिए हैं आलू, आलू कितने सस्ते मिले भाई, मतलब हमने 40-50 किलो आलू ले लिए और हमें मिले हैं सिर्फ 380 रुपए के, 10-20 रुपए वो ले लेते हैं चढ़ाने उतारने वाला, तो 400 मान के चलो। और लिए गाजर जो कि हमें पड़ी है 550 रुपए की 56 किलो, मतलब समझ लो एक किलो खराब भी निकल जाए, चढ़ाने का खर्चा भी लगा लो 10 रुपए या 12 रुपए किलो पड़ी है, जो बाजार में 30 रुपए किलो बिकती है। और हमने लिया है लहसुन वगैरह लिया है, वो भी 120 रुपए किलो मिला बाजार में, तो बहुत महंगा है, 200 पार मिलेगा। लहसुन है और थोड़ा सा अदरक है, वो भी सी मतलब 100-200 रुपए किलो ही है, सस्ता ही है वो भी। लहसुन का रेट 120 था ना, नहीं लहसुन हमने 250 रुपए किलो, 250 रुपए किलो वाला लिया मोटा लहसुन, और अदरक लिया 120 रुपए किलो मोटी वाली, बढ़िया क्वालिटी की सारी चीजें ली है। और तो हमने वैसे मॉर्निंग में आने का फायदा है, यहां सुबह 5 बजे आने का फायदा है, वहां पे ज्यादा सामान फिर बार्गेनिंग वगैरह हो जाती है, इस समय तो बस जो मिल गया फिर भी सस्ता है, फिर भी बहुत सस्ता है। और अपना एक चीज और ली थी हमने, प्याज, प्याज हमने लिए है 280 रुपए के 10 किलो, मतलब 250 रुपए किलो प्याज पड़ गया, वो भी ठीक है भाई। देखते हैं खुद भी सब्जी की दुकान खोलेंगे, मार्जिन है भाई सब्जी में, सब्जी वाले गाड़ी लेनी है भाई, फॉर्च्यूनर लेंगे सब्जी बेच बेच के, ज्यादा बेचनी पड़ेगी फिर, ज्यादा बेच देंगे स्पीकर लगा लेंगे। ये भाई 1000 किलो उठा लो एक दिन में प्याज या कोई भी चीज और लग जाओ भाई, सब बिक जाएगा अगर सस्ते रेट में दोगे तो। सही बात है, बातचीत करनी पड़ेगी और तो क्या है, बाकी अब जाम में थोड़ा हो गया ना, घर जाना आगे पूरा जाम ही जाम लगा पड़ा है, पर अब पता है वहाँ पे इतना मेहनत चल रही है, चले फिर सामान उठा के पसीने आ रहे हैं मेरे को, अब जैकेट तो आ नहीं सकता, नीचे मैंने कुछ पहना नहीं है, ऐसी की तैसी होगी, इन्हें पहना हुआ, बहुत गर्मी लग रही है, एसी चलाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, शीशे खोल लेता हूँ। भाई सामान सारा लेके पहुंच गया गुरुद्वारे में, अभी रखेंगे इस गाड़ी में, लोड कर देंगे फिर मैं लेके चलूंगा, फोन लेने जाना अपने को करेंगे लोड। सीन ऐसा बना है कि गाड़ी की चाबी मिली नहीं हमें, वो सी ना उस भैया को ले गए उनके पास है, तो अभी क्या करेंगे कि ना मैं ले जा रहा हूँ गाड़ी में सामान, संजय से वो बोलूँगा उनके घर लगा दूंगा गाड़ी, उनकी गाड़ी निकाल लेंगे, और क्या होगा देखते हैं क्या सीन बनता है, फिर उनके घर चलता हूँ। गाइस अभी संजय चले घर पे पहुंच चुका और अपनी गाड़ी मैंने लगा दी है साइड पे, जा रहा हूँ इनके साथ, इनकी गाड़ी पे जा रहे हैं क्योंकि भाई सामान पड़ा ना उसमें, पता चले वहाँ से वो शीशा तोड़े मुक्का मार के और ले जाए सारा काट के, तो वो काम नहीं करना अपने को, अपने को भाई सेफ रहना, क्योंकि गुरुद्वारे का लंगर है, सामान तो दोबारा आ जाएगा, बट बात यह है कि फिर लंगर है भाई कल सवेरे और आज रात हो गई मेरे भाई, अब इसलिए सेफ्टी पहले जरूरी है। चला भाई चाबी ले गाड़ी की, इनके घर के गेट के बाहर लगा दी मैंने बिल्कुल सामने, तो काले पर्दे लगा कर अंदर मेरे ख्याल दिख तो रहा, बाकी नज़र मारने वाला तो मार ही लेगा, नॉर्मली तो नहीं दिख रहा। चलो यार इसमें चलते हैं, वो तो अपन ने कर दी खड़ी, अरे घर के आगे पता नहीं कौन गाड़ी लगा के चला गया यार, ये इसकी जगह हमें लगानी पड़ रही है। हाई तो अपन M2 के पहुंच चुके हैं, अब चलेंगे पहले क्रोमा, क्रोमा चलते हैं वहाँ पता करते हैं क्या रेट चल रहा है फोनों का। चलो जी पहले क्रोमा चल के पता करते हैं क्या हिसाब किताब है, यहाँ तो हर चीज़ मिल जाती है, क्रोमा वाले तो फ्लिपकार्ट का रेट मैच नहीं कर पाए, हम दुकानों से पता करेंगे। हमने काफ़ी सारी मार्केट में ढूंढा, मतलब मार्केट में M2 के में भी और कहीं जगह देखा, हमें कोई रेट मैच नहीं हो पाया ऑनलाइन फ्लिपकार्ट जैसा, तो अभी हमने क्या करा ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से मंगा दिया, बड़ा सरप्राइज आएगा परसों की रेट दिखाई है, परसों दिखाऊंगा क्या चीज़ है अभी नहीं बताता मैं, और मैंने अपना फोन भी वहीं से मंगाया था तो मुझे ट्रस्ट है पूरा उस पर, काफ़ी टाइम से मंगा रहा हूँ फ्लिपकार्ट से मैं चीज़ें, अभी फिलहाल मैं घर जा रहा हूँ, घर पर मोंटी दी आई हुई है, उनको 2 घंटे हो गए हुए लगभग, वो मेरा वेट कर रही है, मेरे को घर छोड़ रहे, गाड़ी इनके घर ही खड़ी रहेगी, उनको बोलूँगा मोंटी को शाम को मेरे को इनके यहाँ छोड़ देंगे, फिर मैं गाड़ी लेके जो अपना सामान है लंगर का गुरुद्वारे छोड़ूंगा। कोई नहीं, इतने दिन आपने वेट कराया, इतने दिन आपने वेट कराया, थोड़ा उन्हें करा दिया, ये है लेट लतीफ मिस्टर लवली भाई, भाग भाग क्या हूँ मैं वहाँ से जहाँ से गाड़ी से उतरा था, क्या तू कहीं और जा रहा था मुझे बोलकर, अच्छा नहीं 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 भूल जाना घर ही आ रहा था। लो जी कराते ही बन गई है स्पेशल, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इडली कहाँ गई, इडली नहीं मिली आपको आज, आज मुझे रन्या ने मैगी बना के खिलाई है। इतनी देर हो गई आपको आए हुए, भाई मैं कब की आई हूँ, कब की आई हो, फोन कर रहा था तेरे को उससे 10 मिनट पहले आ गई थी, 4 बजे
हाँ, एक घंटा हो गया मेरे को। चलो फिर ठीक है, आ गया ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ हो गया। मारने के बाद ही को कवर करता है, मैं पहले ही कवर कर लिया कर, सुंदर सी शक्ल छुपा देता सुन रहा है। गाइस अभी इनकी स्कूटी पे जा रहा हूँ मैं, गाड़ी उठा रहे फिर वहाँ से जाना है गुरुद्वारे सामान उतारने। सामान हमने गाड़ी से निकाल लिया, यहीं खड़ी कर दी है, और भाई थोड़ी सेवा करनी है, गाड़ी लगानी है एक तो, और बाकी सब्जियाँ कटेंगे लंगर की उतार के। सफाई हो रही है और वहाँ मटर चले जा रहे हैं, बाकी ये भी और भी काम करेंगे धीरे धीरे। भाई मटर की जगह चल रही है अभी हमारी आलू साफ, जल्दी आ जाना कि चाय फटाफट से हटवाते हैं अभी कह तुम इससे आलू साफ कर धोने से करेंगे। हाँ बन ही जाएगा वो अभी, दो और इन्फोर्समेंट आ गई है आलू साफ करने के लिए। ये देखो ये रहा चाकू, चाकू ढूंढ ढूंढ कर रख गया मैं, अब निकला चाकू। आलू भी थोड़ा थोड़ा तेज है, मैं डाल लूंगा तेरे को ब्लॉग में, नहीं डाल रहा हंस रहे। चल जा कोई नहीं, मैं भी 8:30 बच्चे के चल रही है सेवा नीचे, और मैं तो ऊपर आया था पन्नियाँ लेने कूड़ा डालने के लिए। ये पन्नियाँ ना इसमें सारा कूड़ा डाल देंगे जो भी है अंदर, मटर वाहू जी खाते जो अंदर मटर छिल रहे हैं, सत श्रीकाल जो अंदर मटर छिल रहे हैं, और जो अपने प्याज हैं सब का जो छिलका इसमें डालेंगे अपना। और यार गाड़ी साफ सूफ करा के अब क्या फायदा, इधर कर लो गाड़ी, इधर ही करनी पड़ेगी, पूरी मिट्टी लग गई यार यहाँ साफ कर रहे थे इसको, अब साइड में लगाता हूँ बचा गया, लेकिन मिट्टी तो पूरी लगी गई, अब लगता है लग गई यार पूरी मिट्टी लग गई, नुकसान हो गया नुकसान। मटर उठ चुके हैं, प्याज उठ चुके हैं, गाजर हो गई अभी। भाई ये थोड़ा सा वेस्ट था इसमें आग लगा रहे हैं, सही चलेगी तो भाई मिल लगा रहे हैं आग इसमें, हम इनकी पूरा रिस्क है, हम थोड़ी ले रहे हैं रिस्क, ये हम नहीं ये लगा रहे हैं आग भाई। हैं ये ठीक है यार, मैं अबे कुछ नहीं होगा, पानी यार पानी, और पानी जल्दी लिया हर्षस, लिया जितना भर गया लिया हर्षस, मैटर हो गया ठीक है, वीडियो दिखाऊंगा खिंड गया मैटर सब, जल्दी 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 जा भाई, जल्दी दे दे पार्टी। अबे अब कुछ नहीं होगा, अब तो हो गया, अब नहीं होगा, ऊपर वो जलेगा सारा जो था मेन पार्ट, पार्टी भर ली हमने एक इमरजेंसी में, एक तो बाल्टी इतनी डेढ़ भरती है उसमें यार, ये ना ये वाला ये भी करेगा भी मैटर देना, नीचे वाला गद्दा चल गया पूरा, अभी सारा सेवा हो चुकी है, सब्जी वगैरह कट चुकी है, अभी चल रहा है घर पे, रात और की टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं, मेरी शिफ्ट हो जाएगी शुरू थोड़ी देर में, तो मैंने कहा टाइम से पहुंच जाऊं, ठीक है भाई अपने काम पे लगना है, फिर रात उठना भी तो होता है, थोड़ा आराम भी चाहिए होता है, अब तो खैर टाइम बचा नहीं आराम का, आज तो बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, तो नींद आएगी रात को मुझे लग रहा है शिफ्ट में, फिलहाल चलते हैं घर पे। गाइस आज का दिन भाई बहुत इंटरेस्टिंग था, पहले अपने केशव और मंडी में मस्त अपना देखे, आज पहली बार गया था उस मंडी में, और कई चीज़ों के रेट पता चल गया मुझे, एंड उसके बाद सेवा करी तो बाकी भाई थक चुका हूँ काम करना यार, थका भी क्या ही फायदा उस चीज़ का। फिलहाल भाई बच्चों के 11:15 अपना काम चल रहा है, इस व्लॉग को इसी के एंड करते हैं, एडिटिंग करेंगे और मिलेंगे कल दोबारा आपसे बेहतरीन से लोगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।